आपके शायद आंखों पे ऊपर भारतीय जनता पार्टी का चश्मा चढ़ा हुआ है, आप उसको चश्मा का भिवानी में अगर आप एक दिन भी बता दें युवा कांग्रेस ने कोई आयोजन, आप उस चश्मे को उतारिए। बात भिवानी की नहीं, मैं हरियाणा की आपसे बात कर रहा हूँ। भिवानी में कभी युवा कांग्रेस जो है सड़कों पर दिखाई नहीं। बीजेपी वो कहते हैं कि कांग्रेस को मारने के लिए कांग्रेस ही काफी है, इतने गुट है, कोई संगठन नहीं है, बावजूद उसके इतने गुट है। तो लगता नहीं कि इस गुटबाजी के बीच और जो बगैर संगठन के कांग्रेस कुछ दम अखंड दिखा पाएगा। दिवांशु जी, सबसे पहले तो आप युवा जोड़ो अभियान चला रहे, कोई युवा जुड़ा है या ऐसे ही? क्यों, आपको नहीं लग रहा कि कोई युवा जुड़ा है? ये खट्टर सरकार नहीं है, लोग गलत कहते हैं, ये पेपर लीक सरकार है। इस सरकार का नामकरण बदलना चाहिए, इसको पेपर लीक सरकार का नाम देना चाहिए। हर तो दावा करते हैं कि पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी जा रही, कोई भी गड़बड़ करता है तो खुद सरकार पकड़ती है, जबकि विपक्ष कोई आरोप नहीं लगाता, कोई शिकायत नहीं करता। हरियाणा का एक नौजवान खड़ा होकर कह दे कि सीईटी के माध्यम से मेरे को रोजगार नहीं मिला। आप चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन सीएम भी चैलेंज करते कि पर्ची खर्ची का दौर था वो अब खत्म हो चुका है। आपको लगता कोई गड़बड़ी है तो कभी कोर्ट में गई है युवा कांग्रेस या कांग्रेस, अगर ऐसी कोई बात है? आने वाले चुनाव को लेकर हर पार्टी जोर आजमाइश कर रही है, युवा कांग्रेस भी जो है इसमें भागीदारी अपना रही है, युवा जोड़ो अभियान चला जा रहा है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष दिवांशु बुद्धिराजा आज भिवानी पहुंचे, उनसे बात करते हैं। दिवांशु जी, सबसे पहले तो आप युवा जोड़ो अभियान चला रहे, कोई युवा जुड़ा है या ऐसे ही? क्यों, आपको नहीं लग रहा कि कोई युवा जुड़ा है? 7 मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं। हरियाणा के अंदर नवनियुक्त हरियाणा युवा कांग्रेस की कमेटी जब से आई थी, हरियाणा के नौजवानों से जुड़े प्रत्येक मुद्दे को बड़ी मजबूती से, बड़ी ताकत से उठाने का युवा कांग्रेस काम कर रही है। और अब हमने ये 7 मुद्दे चिन्हित करे हैं, जिसमें सबसे पहला मुद्दा सरकारी भर्तियों को लेकर रहेगा। आज हरियाणा के अंदर हालात देखिए, HPSC के दफ्तरों में 90-90 लाख रुपये कैश पकड़े जा रहे हैं। आज हरियाणा के अंदर हालात देखिए, 30 से ज़्यादा पेपर लीक के मामले इस सरकार के अंदर आ गए हैं। ये खट्टर सरकार नहीं है, लोग गलत कहते हैं, ये पेपर लीक सरकार है। इस सरकार का नामकरण बदलना चाहिए, इसको पेपर लीक सरकार का नाम देना चाहिए। सरकार तो दावा करती है कि पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी जा रही है, कोई भी गड़बड़ करता है तो खुद सरकार पकड़ती है, जबकि विपक्ष कोई आरोप नहीं लगाता, कोई शिकायत नहीं करता। आप देखिए, अगर इनका सेक्रेटरी 90 लाख रुपए लेता ऑफिस में पकड़ा जाएगा तो इसके जिम्मेवार हम हैं या मनोहरलाल खट्टर साहब हैं? सेक्रेटरी की नियुक्ति कौन करता है, हरियाणा सरकार करती है या लोग करते हैं? खट्टर साहब, झूठे दावे करके लोगों का ध्यान विचलित करने का काम ना कीजिए, आपकी जिम्मेवारी है। आपका यह फर्ज बनता है कि हरियाणा के अंदर कोई भी भर्ती हो वो फेयर तरीके से होनी चाहिए। आज हरियाणा के अंदर कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जो पूर्ण रूप से फेयर हो रही हो, और जो भर्तियां फेयर होती हैं उसका पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक ना हो तो वो कोर्ट के अंदर लटक जाता है। कौन सी ऐसी भर्ती है जो इस सरकार के अंदर पूरी हुई हो? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, बड़ा पॉपुलर चैनल है आपका, आपके चैनल के माध्यम से खट्टर साहब से पूछना चाहूंगा, आप बताइए 2019 में आप ग्रुप सी और डी के लिए एक सीईटी नाम का झुंझुना लेके आए, 4 साल के अंदर एक हरियाणा का नौजवान आप खड़ा कर दीजिए, एक नौजवान, हरियाणा का एक नौजवान खड़ा होकर कह दे कि सीईटी के माध्यम से मेरे को रोजगार नहीं मिला है। कोई भी भर्ती पूरी नहीं हुई, ग्रुप सी की भर्ती है कोर्ट में लटकी हुई है, ग्रुप डी की अभी भर्ती हुई, हालात देखिए। जो सरकार कहती है कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी नहीं है, पर कच्चे उड़ गए सरकार के। आप चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन सीएम भी चैलेंज करते कि पर्ची खर्ची का दौर था वो अब खत्म हो चुका है। आपको लगता कोई गड़बड़ी है तो कभी कोर्ट में गई है युवा कांग्रेस या कांग्रेस, अगर ऐसी कोई बात है तो? आप अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए, हरियाणा की कितनी भर्तियां हैं जो कोर्ट के अंदर लंबित पड़ी हैं? डेंटल सर्जन की भर्ती 4 दिन पहले कोर्ट के अंदर लटकी हुई थी, 4 दिन पहले रद्द कर दी। कितने घोटाले इस सरकार के अंदर पेपर लीक के हुए हैं, मैं तो चैलेंज करता हूं। खट्टर साहब नहीं मानते तो मेरे साथ आजो, 1-on-1 बैठते हैं, बात करते हैं, मैं कागज लेके आऊंगा, आप अपने कागज लेके आइए। तो क्या मानते हैं हरियाणा में किन मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस अब जो है मैदान में उतरेगी, क्योंकि अब तक युवा कांग्रेस देखा जाए तो किसी भी मुद्दे को लेकर सड़कों पर नहीं दिखी है, आम आदमी के साथ उसकी आवाज उठाती नहीं दिखी है? आपके शायद आंखों पे ऊपर भारतीय जनता पार्टी का चश्मा चढ़ा हुआ है, आप उसको चश्मे का भिवानी में अगर आप एक दिन भी बता दें युवा कांग्रेस ने कोई आयोजन, आप उस चश्मे को उतारिए। बात भिवानी की नहीं, मैं हरियाणा की आपसे बात कर रहा हूँ। भिवानी में कभी युवा कांग्रेस जो है सड़कों पर दिखाई नहीं। हरियाणा के अंदर जब स्कूली शिक्षा के ऊपर प्रहार हरियाणा सरकार ने किया 134A के माध्यम से, तो शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने का काम सबसे पहले हरियाणा यूथ कांग्रेस ने किया। हरियाणा के अंदर जब ये परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रहार हरियाणा सरकार ने किया, तो घंटी बजाओ सरकार जगाओ आयोजन आंदोलन पूरे देश में हमने किया। जब केंद्र सरकार ने अग्निवीर भर्ती योजना सरकार लेके आई,
तो यहाँ पर फौज बचाओ देश बचाओ का मशाल जुलूस पूरे प्रदेश के अंदर निकाला गया, तो हरियाणा यूथ कांग्रेस ने निकाला। और अभी हाल ही में जब सीईटी के माध्यम से सरकार हरियाणा के नौजवानों का जो है हक मारना चाहती थी, तो उसमें मुख्यमंत्री आवास का करनाल में घेराव और करनाल में सोनीपत में और हिसार में बड़ा प्रदर्शन करने का काम हरियाणा युवा कांग्रेस ने किया। कुछ असर देखने को मिला? तभी तो इस अभियान की शुरुआत करी है। इन सभी मुद्दों पे हम लोगों ने हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से आवाज़ उठाई, लेकिन शायद उस आवाज़ को अनसुना कर रही है। इसलिए हमने फैसला लिया है कि हरियाणा के नौजवानों को इन सातों मुद्दों पर इकट्ठा करके उनकी आवाज़ को लामबंद तरीके से प्रदेश सरकार के समक्ष उठाएंगे। शायद ये अलग अलग कोनों से उठती आवाज़ खट्टर साहब को नहीं सुनाई दे रही, लेकिन इनको संगठित करके प्रदेश सरकार के समक्ष मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। और आने वाले समय में दिसंबर के महीने में आप देखेंगे कि युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी आक्रोश मोटरसाइकिल रैलियों का आयोजन करेगी। लेकिन जो बीजेपी है वो कहती है कि कांग्रेस को मारने के लिए कांग्रेस ही काफ़ी है, इतने गुट हैं, कोई संगठन नहीं है, बावजूद उसके इतने गुट है, तो लगता नहीं कि इस गुटबाजी के बीच और जो बगैर संगठन के कांग्रेस कुछ दम अखम दिखा पाएगा अपना? ये गुटबाजी मीडिया इसको तूल देता है। अगर गुटबाजी की बात होती तो आप बताइए धनखड़ साहब को क्यों हटा दिया? बीजेपी के लोग बताएं, ये जो इनकी टसलबाजी चल रही थी, लोग ये बात कर रहे थे कि या तो खट्टर साहब रहेंगे या धनखड़ साहब रहेंगे। हरियाणा कांग्रेस की जो छोटी मोटी बातें उनको तूल देकर मीडिया उनको तवज्जो देता है। आज आप देखिए, कल के ऑर्डर दिखाएं आपको, धनखड़ साहब की सिक्योरिटी तक विड्रॉ कर लिया। ऐसे हालात बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के इस सरकार के अंदर हो रहे हैं। आप बताइए कौन सा ऐसा मंच है जहां राव इंद्रजीत और खट्टर साहब एक मंच साझा करते हो? इनके अंदर गुटबाजी है, लेकिन मीडिया के लोग थोड़ा कांग्रेस के प्रति ज्यादा इसके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, जिसकी वजह से ये तूल दी जाती है। धन्यवाद। तो ये थे दीवांशु बुद्धि राजा जी, इनका साफ तौर पर कहना कि आने वाले समय में जो है युवा कांग्रेस जो है वो अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी, संगठन को मजबूत करेगी और आने वाले समय में जनता की आवाज़ को उठाएगी। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस अपना, खासकर युवा कांग्रेस, क्या दमखम दिखा पाते। लेकिन इतना निश्चित है कि चुनाव को आते देख युवा कांग्रेस जो है अब सक्रिय हो चुकी है। अब इसका रिजल्ट आने वाले चुनाव में ही देखने को मिलेगा। हरियाणा तक के लिए अपने सहयोगी अमन कुमार के साथ जगवीर गणगस।